आपको लिए चलते हैं ग्वालियर। खबर आपके काम की है और ये खबर आपको दिखाना जरूरी भी है। आप कई बार ये सुनते पढ़ते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आप भी पढ़ते देखते और सुनते होंगे और आगे बढ़ जाते होंगे, सोचते होंगे कि ऐसा भी कहीं होता है क्या। लेकिन इस खबर को देखकर सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है, कहीं मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इसलिए खाने पीने की सावधानी का ख्याल रखिए और ये खबर विस्तार से देखिए। आपको हर वक्त कोल्ड ड्रिंक की प्यास लगती है, हाँ तो ये खबर आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको अपने शौक पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ सकती है, बहुत बिगड़ सकती है। वैसे हम तो हमेशा चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी है। खबर ग्वालियर से है। दरअसल एक महिला को कोल्ड ड्रिंक खरीदना भारी पड़ गया। उसने बाजार से सील पैक्ड कोल्ड ड्रिंक खरीदा, उसे बड़े शौक से पी भी लिया, लेकिन उसके बाद महिला के पेट में दर्द शुरू हो गया, मुंह से झाग निकलने लगा। नौबत यहां तक आ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। हालांकि महिला की हालत अब खतरे से बाहर है। महिला की हालत में थोड़ा सुधार आया तो महिला पति के साथ एसपी ऑफिस पहुंच गई, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मैं रात को दुकान पे पेप्सी लाया, बच्चे ने मांगना नहीं, रूस रहे हो तो बच्ची ने लाओ, माया लाओ, माया मैंने बच्चे को दे दी। बच्चे ने नहीं पी पाई, मैयू ने एक गुड़ पी ली। फिर घटना भाई के बाग पशु करे बेहोश बहुत ज़्यादा है गई। फिर मॉल आके डॉक्टर लाए, इन्हें इलाज किया थोड़ा सा, नेकल आराम मिल गया। उधर महिला की शिकायत पर पुलिस ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया और संबंधित थाने को कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिया। दुकान से कोल्ड ड्रिंक ली थी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उनका तबीयत खराब हो गई थी और हॉस्पिटलाइज रही हूँ, तो उसके बाद जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो, तो उसके विरुद्ध कोल्ड ड्रिंक वाले और कोल्ड ड्रिंक वाले के खिलाफ कंप्लेंट करने आई थी। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि उसमें जाँच कर वैधानिक कार्रवाई करें। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के राजा गोस गेदम के पास रहने वाले नरेश प्रजापति ने अपने पड़ोस के राठौर किराना दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी। नरेश बोतल लेकर घर पहुंचे और जैसे ही उनकी पत्नी राजोबाई ने बोतल से कोल्ड ड्रिंक पी, वैसे ही उनके पेट में दर्द के साथ मुंह से झाग निकलने लगा। इलाज के दौरान कोल्ड ड्रिंक विक्रेता दुकानदार भी उनके पास पहुंचा और मिन्नतें करने लगा कि पुलिस में इसकी शिकायत मत करना, मैं इलाज का पूरा खर्चा उठाऊंगा। लेकिन जब महिला की हालत में सुधार हुआ तो दुकानदार ने अस्पताल का बिल भरने से इनकार कर दिया। अब पुलिस में शिकायत भी हो गई है और कार्रवाई के लिए भरोसा भी मिल गया है। लेकिन बाजार से खरीद कर कुछ भी कभी भी खाने पीने की आदत आपको मुश्किल में डाल सकती है, इसीलिए सावधान रहिए। अनिल गौर, विस्तार न्यूज, ग्वालियर। तो देखिए, आपको हर वक्त कोल्ड ड्रिंक की प्यास लगती है, हाँ तो ये खबर आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको अपने शौक पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ सकती है, बहुत बिगड़ सकती है। वैसे हम तो हमेशा चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर में आपने देखा कि कैसे एक कोल्ड ड्रिंक पीने से मुंह से झाग निकलने लगा। तो जरा संभल कर चीजें खाएं और पिएं।